नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का वैकनिक डिजाइन बनाना बताएंगे। इस तरह हमने कट किया है, 15 इंच लंबाई ली है, तैयार 14 इंच रखेंगे। शोल्डर लिया है 5.5 इंच, आर्म होल लिया है 6 इंच। अब हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है, जो कि हमने 3 इंच पर लगाया है। डीप नेक गले पर डिजाइन रहेगा, लंबाई का निशान 11 इंच पर। तो ये लगाने के बाद अब हमें इस तरह से गले का निशान निकाल लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर 1 इंच बाहर की तरफ लिया है, उसके बाद इसे निकालना है बुकरम के ऊपर। तो इस तरह बुकरम के ऊपर निकालने के बाद इसे कट कर लेना है। तो ये हमारे गले की कटिंग हुई। अब हमें अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगाना है। तो इस तरह देखिए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे कट कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, अब देखिए इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद सेंटर लाइनिंग इसकी निकाल लेनी है। तो ये देखिए, अब बराबर से फोल्ड करते हुए एक लाइनिंग कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से कर दिया। अब गले को लेना है और इसको कपड़े पर रखते हुए इस तरह से सिलाई डाल देनी है। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब दोनों इंसानों को मिलाकर रखेंगे और पहले एक सीधी सिलाई इस पर लगा देंगे, उसके बाद पूरे गले पर जहाँ से गले का निशान है इस तरह सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमने लगा ली है, अब इसे कट कर लेना है। तो अब इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये कट करने के बाद अब पूरे गले पर हमें कट्स लगा लेने हैं। तो इस तरह से कट्स लगा लेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह लगा लेना है। कट लगाने के बाद देखिए, पट्टी को इस तरह से पलटना है और गले के ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से गला तैयार करने के बाद अब डिजाइन बनानी है। उसके लिए इसका प्लेट्स दोनों बना देना है। तो देखिए, हमने दोनों प्लेट्स इसका बना दिया है। अब हमें देखिए इस तरह से डोरी बना लेनी है। डोरी बनाकर इसे कट कर लेंगे, 2-2 इंच की कट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको लगाएंगे। ये सिर्फ ऊपर गले पर रहेगी, तो ऊपर गले पर इस तरह से इसको लगा लेना है।
और दोनों साइड से इस साइड भी लगा लेंगे और उस साइड से भी लगा लेंगे। तो यहाँ तक लगाना है, तो देखिए यहाँ तक हमने लगा लिया। अब इधर भी लगा लेंगे इसी तरह से दोनों तरफ से। देखिए डिजाइन हमने लगा ली है। अब यहाँ पर हमें दो छोटी छोटी सी इस तरह प्लेट बनाते हुए सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने दो इस तरह से प्लेट्स बना दी है। थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा नहीं पकड़ना है, थोड़ा सा पकड़ कर दो सिलाई दो प्लेट्स देकर लगा दी है। उसके बाद हमें इस तरह से कपड़ा लेना है। ये हमने लिया है 3 इंच का चौकोर लिया है और इस तरह से डिजाइन हमें बनाकर तैयार करनी है। उसके बाद देखिए इसको इस तरह से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे आर्मोल वाली साइड से। थोड़ा सा सिलाई में जितना जाएगा आधा इंच छोड़ कर ही लगाना है शोल्डर सिलाई के लिए। उसके बाद इस तरह से इसको लगाना है, इन डिजाइनों को एक बराबर रखते हुए लगाएंगे। और गले वाली साइड से 2 पॉइंट नीचे से ही लगाना है। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमने लगा लिया है। अब इस तरह से इसको बनाना है। इन डिजाइनों पर एक एक करके मोती लगा लेंगे दोनों साइड से, पूरे पर ये मोतियाँ लगा लेंगे। उसके बाद नीचे वाली डिजाइन भी बनाना है। तो इसी तरह से मोतियाँ लगा लेनी है पूरे पर। तो हमने पूरे डिजाइनों पर मोतियाँ लगा ली है। अब ये डिजाइन हमें इस तरह से बनाना है। यहाँ पर दोनों साइड पकड़ते हुए सिलाई लगाना है, उसके बाद एक मोती लगाना है। पूरी डिजाइन अब इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने दोनों तरफ से डिजाइनें बना ली है। अब इस तरह से फ्लावर बना कर ले लेना है और देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से लगाना है। दो यहाँ पर लगेंगे तो इस तरह से लगा देंगे दोनों चुनट पर, जो दोनों प्लेटें दी है उसी पर एक एक करके लगा देना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने दोनों को लगा दिया है। अब ऊपर भी हमें लगाना है दोनों साइड से, यही फ्लावर ऊपर भी लगाना है। तो इस तरह से ऊपर लगा देंगे और देखिए ये लगा देना है इस तरह से। तो दोनों तरफ से हमने लगा दिया है। डिजाइन हमारा बनके तैयार हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।